All right. Now, another topic is that is 4.2.3 web camera. ये आप यहाँ पे डिवाइस देख रहे हो, आपकी स्क्रीन के ऊपर ऐसा वेबकैम आप यूज कर सकते हो. ऑब्वियसली बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ उसके डिवाइसेस होते हैं. दिस इज ओनली द वन मॉडल, राइट? इससे छोटे भी आते हैं और इससे बड़े भी हो सकते हैं, राइट? ओके. वेबकैम और या फिर आप उसे वेब कैमरा भी कह सकते हो. ये क्या है? इट इज अ पोर्टेबल वीडियो कैमरा. जो क्या करेगा, वो लाइव वीडियो या फिर इमेजेस को कैप्चर करने के लिए यूज होगा. जो नेटवर्क के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर रियल टाइम मैनर के अंदर व्यू होनी चाहिए. What is real time view? Real time view मतलब अगर मैं यहाँ पे अपना webcam on करूँगी तो यहाँ से जो भी video है, जो भी image है, वो capture होके live image आपको दिखाई देगी, live video आपको दिखाई देगा. That is known as live video which is transferred over real time. That is जब भी वो event occur होती है उसी वक्त वो video capture होके भेज दिया जाता है over the network या फिर over the internet. Right, we can say it is a small digital camera. वो कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट भी होता है. अगर आप लैपटॉप का यूज करोगे तो लैपटॉप के अंदर वो इनबिल्ट होगा, और अगर आप डेस्कटॉप का यूज करते हो तो आप वो अपने मॉनिटर के ऊपर आप उसे अटैच कर सकते हो और वो यूएसबी केबल थ्रू वो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा, राइट? सो दिस इज द थिंग विच यू नीड टू कंसिडर रिलेटेड टू डिजिटल कैमरा, कि अगर आप लैपटॉप का यूज करते हो तो वो कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट होगा, दैट इज स्क्रीन के ऊपर छोटा सा सर्कल होगा, राइट? वो ऑटोमेटिकली वहां से वीडियो कैप्चर कर सकता है. और अगर आप कंप्यूटर दैट इज डेस्कटॉप का यूज करते हो तो आपको एक्सप्लिसिटली वो डिवाइस को अपनी मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर अटैच करना पड़ेगा, और उसके साथ जो यूएसबी केबल होगा वो आप कैबिनेट के अंदर जो मदरबोर्ड का ऊपर जो पोर्ट होगा उसके साथ आप अटैच कर सकते हो, राइट? सो एज आई हैव टोल्ड कि अगर आप पीसी का यूज करते हो, दैट इज डेस्कटॉप का यूज करते हो, तो मॉनिटर के टॉप के ऊपर आपको ये वेबकैम को फिक्स करना पड़ेगा, और अगर आप लैपटॉप का यूज करते हो तो वहां पे वो इनबिल्ट आपको मिल जाएगा. ये इसका वर्क क्या होगा? ऑब्वियसली जो भी इमेज होगी यूजर की उसे कैप्चर करनी पड़ेगी, राइट? जो कंप्यूटर के ऊपर वर्क करते हैं. Right now there are obviously wide range of webcams ki jiski capabilities jiske features alag alag hote hain, right? So agar hum use categorize kare, then we can categorize this web camera into two categories, that is streaming and snapshot. Again I repeat, according to the capabilities, according to the features, hum web camera ko categorize kar sakte hain within the two categories, that is streaming and snapshot. अगर हम स्ट्रीमिंग वेबकैम का यूज करेंगे, इट मीन्स स्ट्रीमिंग वेबकैम क्या करेगा, वो मूविंग इमेजेस को कैप्चर कर सकता है. अगेन आई रिपीट, स्ट्रीमिंग वेबकैम को अगर हम यूज करेंगे तो वो मूविंग इमेजेस को कैप्चर कर सकता है, राइट? वो मूविंग इमेजेस को कैप्चर करेगा, राइट? दैट इज वो लाइव वीडियो को कैप्चर करेगा, राइट? और बाद में हम वो वीडियो को नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं, और यूजर को वो वीडियो देखने के लिए वीडियो को डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. अगेन आई रिपीट, अगर हम स्ट्रीमिंग वेबकैम का यूज करते हैं तो वो मूविंग इमेजेस को कैप्चर करेगा, दैट इज अराउंड 30 इमेजेस पर सेकंड. एक सेकंड के अंदर वो 30 इमेजेस को वो कैप्चर कर सकता है, दैट्स व्हाई वो मूविंग इमेजेस होगी, राइट? और वो क्या क्रिएट करेगा, वो स्ट्रीमिंग वीडियो क्रिएट करेगा, दैट इज अ वेब वीडियो वो क्रिएट करेगा, जो इमीडिएटली हम उसे प्ले कर सकते हैं. एक बार वो डेटा नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं तो हम वो इमीडिएटली उसे प्ले कर सकते हैं, उसे हमें डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. But the thing is that you need to consider कि अगर आपको स्मूथ वीडियो चाहिए विदाउट एनी स्टेबिलिटी, मतलब जो वीडियो अटकता नहीं है, ऐसा वीडियो अगर आपको चाहिए तो आपको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन का यूज करना पड़ेगा. बिकॉज अगर आपको वीडियो ट्रांसफर करना है जो हाई क्वालिटी का है तो आपको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, तो ही आप स्मूथ वीडियो को ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट? और अगर आप स्नैपशॉट वेबकैम का यूज करते हो तो वो स्टिल इमेजेस को वो कैप्चर कर सकता है, दैट इज 30 सेकंड के अंदर वंस, दैट इज 30 सेकंड के अंदर एक इमेज,
राइट, स्टील इमेज मतलब स्टेबल इमेज, राइट, दैट इज द स्नैपशॉट वेबकैम, और वो कंटिन्यूअसली रिफ्रेश होता रहेगा. अगेन आई रिपीट, वो कंटिन्यूअसली रिफ्रेश होता रहेगा. 30 सेकंड के अंदर उसने एक बार इमेज कैप्चर की, उसके बाद अगेन दूसरे 30 सेकंड के अंदर वो दूसरी इमेज को कैप्चर करेगा. दैट्स वाई वो कंटिन्यूअसली रिफ्रेश होता होना चाहिए. बट द थिंग इज दैट ये जो स्नैपशॉट वेबकैम है वो बेटर क्वालिटी इमेजेस इन इजियर मैनर वो क्रिएट कर सकता है, राइट. अगेन आई रिपीट, अगर हमें बेटर क्वालिटी इमेजेस एंड इन इजियर मैनर अगर हमें चाहिए, राइट, तो वो स्ट्रीमिंग वीडियो से इजी है. क्यों? बिकॉज यहाँ पे हमें सिर्फ इमेज देखनी है, वीडियो नहीं देखने हैं. और ऑब्वियसली अगर सिर्फ इमेज होती है तो हमें भी पता है कि इमेज की साइज वीडियो से कम होती है, और अगर हम इमेज को नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो उसके लिए ज्यादा बैंडविड्थ नहीं चाहिए, राइट. सो दिस इज द थिंग कि आपको कंसिडर करना है कि स्नैपशॉट वेबकैम के अंदर स्टिल इमेजेस कैप्चर होती है, और अगर आप स्ट्रीमिंग वेबकैम का यूज करोगे तो वहां पे मूविंग इमेजेस कैप्चर होती है. हमें पता है कि ये जो वेबकैम है उसकी पॉपुलैरिटी डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है. क्यों इंक्रीज होती जा रही है? बिकॉज इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम यूज्ड इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कि जहां पे रियल टाइम कम्युनिकेशन होना चाहिए विद इन द ग्रुप ऑफ पीपल, राइट. जो पीपल एक दूसरे को देख के विद द हेल्प ऑफ वेबकैम इंटरेक्ट कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, उस जगह पे ये वेबकैम का यूज होता है. दैट इज, अभी तो हमें पता है पेंडेमिक चल रहा है और पेंडेमिक के अंदर आप भी कॉलेज नहीं आ सकते हो, राइट. तो हम जो लेक्चर लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे वेबकैम फिक्स कर दूं और आप सबको मैं ऐसा बोलूं कि आप अपना वेब कैमरा ऑन करो, तो मैं भी आपको देख पाऊंगी और आप भी मुझे देख पाओगे विथ रियल टाइम कम्युनिकेशन. मैं यहाँ पे जो करूंगी, जो बोलूंगी, वो सभी सारी चीजें आपको दिखाई भी देगी और सुनाई भी देगी, राइट. मीन्स इफ यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद इन द ग्रुप ऑफ पीपल, मुझे देखना भी है और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी करना है, तो उस जगह पे मैं वेबकैम को यूज कर सकती हूँ. बट अगेन इट डिपेंड्स, हमें कंसिडर करना है कि हम कौन सा वेबकैम यूज करेंगे. अगर मुझे वीडियो चाहिए तो मुझे ये स्ट्रीमिंग वेबकैम का यूज करना पड़ेगा, जो मूविंग इमेजेस हमें देता है इन टर्म्स ऑफ वीडियो. लेकिन अगर मुझे सिर्फ स्टिल इमेज चाहिए, 30 सेकंड के अंदर एक इमेज आएगी तो भी चलेगा, तो मैं ये स्नैपशॉट वेबकैम का यूज कर सकती हूँ, राइट. आपने बहुत बार देखा होगा कि जब भी आप इंस्टेंट मैसेजेस, दैट इज मैसेजिंग सिस्टम का यूज करते हो, विंडोज लाइव मैसेंजर या फिर याहू मैसेंजर या फिर एक्स वाई जेड, राइट, फेसबुक के अंदर मैसेंजर है, वहां पे भी आप वीडियो ऑन करके वीडियो शेयर कर सकते हो, राइट. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर भी अगर हमें डिस्टेंस लर्निंग एक्टिविटीज करनी है, राइट, जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर सकते, मतलब फिजिकली क्लास में आके अटेंड नहीं कर सकते, वो बच्चे अगर घर से पढ़ना चाहते हैं तो उस जगह पे भी हम वेबकैम का यूज कर सकते हैं. और ये जो वेबकैम होते हैं वो चीपर होते हैं, कॉम्पैक्ट मतलब छोटा सा डिवाइस होता है, एंड इट इज वेरी इजी टू यूज एंड इंस्टॉल. अगर मुझे वेबकैम को यूज करना है देन इट इज वेरी इजी टू इंस्टॉल, मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ वेबकैम को परचेस करना है और कंप्यूटर के ऊपर जो मॉनिटर होगा उसके टॉप के ऊपर मुझे उसे अटैच कर देना है, उसके साथ एक यूएसबी पोर्ट आएगा, वो मुझे यूएसबी पोर्ट कैबिनेट के पीछे जो आएगा वहां पे मुझे केबल अटैच कर देना है, तो कंप्यूटर के साथ ये वेबकैम अटैच हो जाएगा, राइट. सो वी कैन से कि इट इज अफोर्डेबल बिकॉज इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम होती है, राइट. बट इसका ड्रॉबैक ये है, राइट, कि वेबकैम अगर मैं यूज करूंगी तो वो रियल टाइम इमेजेस को वो प्रोड्यूस करेगा, राइट. और अगर मुझे रियल टाइम इमेजेस चाहिए तो जब तक मैं ये वेबकैम को पीसी दैट इज कंप्यूटर के साथ अटैच नहीं करूंगी तो वो कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं कर सकता, राइट. बहुत सारे वेबकैम्स ऐसे भी होते हैं कि जिसके अंदर एडिशनल फीचर्स होते हैं, कि वो लाइट अगर कम है तो वो लाइट बढ़ा भी सकता है, फेस को भी ट्रैक कर सकता है,
और ऑटो फोकस भी कर सकता है, राइट। अगर हम ऐसे एडिशनल एडवांस फीचर्स वाले वेबकैम को यूज़ करेंगे तो वो कॉस्ट इंक्रीज कर देगा, वहाँ पे हमें ज़्यादा महंगे वेबकैम को यूज़ करना पड़ेगा। मतलब इट डिपेंड्स कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हमें सिर्फ लाइव वीडियो जो ओके गुड क्वालिटी का है लेकिन वहाँ पे लाइट कम होगी तो भी चलेगा, फेस को ट्रैक करना है तो भी, नहीं करना है ऐसा कुछ है, तो हम जो चीपर कॉस्ट के होते हैं, मतलब जो चीपर वेबकैम होते हैं वो हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें एडवांस फीचर चाहिए तो उस जगह पे हमें ज्यादा कॉस्टली कैम वेबकैम को यूज करना पड़ेगा, तो ही हमें वो फीचर्स मिलेंगे, राइट। सो द थिंग इज दैट हमें ये कंसिडर करना है कि फर्स्ट थिंग हमें किस लिए यूज करना है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर द वेब कैमरा, वीडियो या फिर इमेज, उस हिसाब से हमें परचेस करना है। क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है, दैट इज ऑल्सो रियल टाइम कम्युनिकेशन हमें प्रोवाइड करना है विद इन द ग्रुप ऑफ पीपल, जो देख एक दूसरे को देख सकते भी होने चाहिए और एक दूसरे के साथ बात भी कर सकते होने चाहिए, तो उस हिसाब से हमें वेबकैम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ अगर हम कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग कर रहे हैं जो इंटरनेशनल मीटिंग है, राइट, तो उस जगह पे हमें ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि हमें वहाँ पे ज़्यादा एडवांस फीचर वाला वेबकैम परचेज करना पड़ेगा, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक, दैट इज 4.2.3, दैट इज वेब कैमरा, राइट। सो टूडे वी हैव कंप्लीटेड थ्री थिंग्स, वेब कैमरा, बारकोड रीडर एंड ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगेन आई रिपीट, टूडे वी हैव कंप्लीटेड थ्री थिंग्स, बारकोड रीडर, वेब कैमरा एंड ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है, तो आप मुझे पूछ सकते हो और उसके बाद हम हमारा लेक्चर एंड करेंगे।